दिन भर हिलाते ही रहते, रात रात भर गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते रहेंगे, आप अपने फेस के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि हमारे लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हमारे लुक्स का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे फेस का ग्लो जिया। सो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है, हाउ टू गेट ग्लो ऑन फेस। सब कुछ बताऊंगा आपको, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ग्रूमिंग लाइफस्टाइल फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम मिस्टेक्स करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम चाहे कुछ भी कर लें हमारे फेस पर ग्लो नहीं आएगा। सो सबसे पहली मिस्टेक जो हम लड़के अक्सर करते हैं वो क्या है, दिन भर हिलाते ही रहते आए दिन हिलाते ही रहते। सो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक हमारी होती है, इससे हमारे फेस का पूरा ग्लो चला जाता है। एंड जब हम मैस्टिवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके बाद हमारे फेस का पूरा रंग उड़ जाता है, पूरा का पूरा ग्लो चला जाता है एंड हम मुरझाए हुए सनफ्लावर की तरह दिखने लग जाते हैं। एंड अगर आप ये चीज़ छोड़ दोगे तो उसके बाद यकीन मानिए आपका फेस पहले जैसा हो जाएगा, एकदम खिले हुए सनफ्लावर की तरह। देन बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मिस्टेक के बारे में कि हम अपनी स्किन के ऑपोजिट भागते हैं। लाइक अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं होता है, मैं बार बार उसी प्रोडक्ट को लगाए जा रहा हूँ बिना सोचे, एंड वो फिर मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। ग्लो तो फेस का जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम पिंपल एक्ने की हो जाएंगी। सो यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको अपनी स्किन के ऑपोजिट नहीं भागना है। जैसे आपकी स्किन रिएक्ट करती है वैसे ही आपको उसे मेंटेन करके चलना है, देन उसके बाद देखना आपका फेस कैसे चमकने लग जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं हमारे मेन पॉइंट की, जो कि हाउ टू गेट ग्लो ऑन फेस। तो देखिए दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक होगा एक्सटर्नली, सेकंड होगा इंटरनली। सो एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला काम आपको 2 वीक्स में एक बार तो जरूर करना ही करना है, वरना आप हर वीक एक बार भी कर सकते हैं, वो क्या है, वो है आपको स्टीम लेनी है। जी हाँ, अपने फेस पर स्टीम लेनी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बेस्ट है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो मेरे भाई टेंशन मत लीजिए, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर किसी भी यूटेंसिल पर पानी बॉईल करें, यानी कि किसी बर्तन पर आप पानी उबाल ले और उसके बाद आप उससे स्टीम ले ले, जितना भी भाप हो वो सारा ले ले। 2 से 5 मिनट तक एटलीस्ट आप स्टीम ले ही ले। उससे क्या होगा, हमारी स्किन सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, सेकेंड चीज़ हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। ये जब चीज़ आप करने लगोगे तो आपको इसका फ़ायदा पता चलने लगा, बहुत सारे फायदे। तो ना बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है हमारा छोटा सा एक स्किन केयर। छोटा सा स्किन केयर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, बस एक सिंपल सा फेस वॉश। जी हाँ, फेस वॉश, बट ध्यान देना एक अच्छा सा फेस वॉश आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े से 10-50 रुपए बचाने के चक्कर में वो 50-60 रुपए वाले फेस वॉश खरीदते हैं जिनमें कि कूट कूट के SLS भर रखा होता है, एंड जब हम उस फेस वॉश को यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम देने लगता है। सो इसीलिए थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपने फेस के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। 150 रुपए भले ही ज्यादा दे दे, बट एक अच्छा सा फेस वॉश अपने लिए चूज करें। कुछ अच्छे फेस वॉशेस को जो कि SLS फ्री है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपको इंटरनली ग्लो देगा, अंदर से जो ग्लो निकल के आएगा वो है ये। सो सबसे पहला काम इसमें जो आपको करना है वो आपको अपना वाटर इंटेक लेवल इंक्रीज कर देना है। वाटर आपको ज्यादा पीना है, कम से कम 7 से 8 ग्लास तो वाटर पिए ही पिए दिन में। लाइक जो हम अपना मील के बाद वाटर इंटेक करते हैं वो नहीं, उसके अलावा भी आपको 7 से 8 ग्लास बीच बीच में पीता रहना है हर एक 2 घंटे में, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन की इंप्योरिटीज बिल्कुल खत्म होंगी एंड आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर ग्लोइंग बन जाएगी। एंड जो सेकंड चीज आपको अपनी मील्स में यानी कि अपनी डाइट में ऐड करनी है वो क्या है, वो है सैलेड। थोड़ा थोड़ा सैलेड सीजनल आप कर सकते हैं, जो भी सीजन में चल रहा हो, मैं खुद ये यूज करता हूं एंड उससे हमारी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग होती है। यकीन मानिए जब आप ये खाना शुरू करोगे आपको फायदे मिलने लगेंगे। देन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेरे बहुत सारे भाई इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये गलती कि वो है स्लीप। जी हाँ, स्लीप वो अच्छी नहीं लेते, रात रात भर गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते रहेंगे। माना गर्लफ्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे भाई अगर शक्ल ही नहीं रहेगी तो किसे शक्ल दिखाओगे, अपनी गर्लफ्रेंड को शक्ल कैसे दिखाओगे। तो इसीलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 से 10 घंटे की एक हेल्दी स्लीप जरूर ले एंड उसके बाद देखिए आपकी स्किन कैसे खिली खिली दिख जाएगी। क्योंकि अगर हम स्लीप नहीं लेते तो हमारी स्किन पर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगती है। हर आए दूसरे दिन हमें ने पिंपल वगैरह छोटी छोटी हमारी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है एंड हमारा फेस डल 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 पड़ने लग जाता है। गाइस, अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।